तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। हाथरस के सिकंदराव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवाद किया, सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव भविष्य का है और संविधान बचाने का है। डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हो गया। सरकार बनने पर माफिया, गुंडा और बदमाश नहीं बचेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवार को 25-25 लाख रुपए तथा सांड के हमले से मृतक किसानों को 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। और अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं और हम जब सत्ता में आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे। उक्त बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगर पालिका क्रीड़ा स्थल जनसभा में संबोधित करते हुए कहा। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता गौरव की खास रिपोर्ट। टीवी से गौरव पचौरी आए, हम खड़े हैं हाथरस जिले के सिकंदराव तहसील 80 विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसंवाद करने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर में पीछे दिखाऊंगा, जनता उनका अभिनंदन करने के लिए ये जनता खड़ी हुई है। और ये जो जनता है समाजवादी पार्टी के 80 विधानसभा क्षेत्र, ललित बघेल यहाँ के सपा प्रत्याशी हैं, जो जहाँ पर उनकी जीत के लिए आग्रह करेंगे। और बताना चाहूँगा, वहाँ सामने कैमरामैन से कहूँगा, हेलीपैड की व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर से आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और जैसा कि हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, और मैं पीछे दिखाऊंगा, ललित बघेल 80 विधानसभा क्षेत्र से जो सिकंदराव के प्रत्याशी है, वो सामने मंच दिखाया गया है, वो मंच पे खड़े हुए हैं और वो अभिनंदन कर रहे हैं सामने ओमवती बुआ। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है, और जैसा कि सुरक्षा दिखाई गई है यहाँ अंदर बैरिकेड के अंदर, यहाँ कोई भी जाने की अनुमति किसी के लिए नहीं है। मीडिया के लिए एक स्पेशल मंच बनाया गया है। और मैं बताना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा पीछे, कि ये जो पब्लिक है ये अखिलेश यादव का अभिनंदन करने के लिए लाल टोपी में खड़ी हुई है और ललित बघेल के साथ अभिनंदन करेगी और दिखाएगी। अब देखना यह है कि 80 विधानसभा क्षेत्र ललित यादव के लिए यहाँ के जनता कितने वोट देती है, कि यहाँ से विधायक बनाने की संभावना है। कैमरामैन प्रकाश के साथ गौरव पचौरी हाथरस से। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कहाँ से फ्री कर लोगे, ये बीजेपी वाले पूछ रहे हैं, पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि बीजेपी वाले पूछ रहे कि 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे कर दोगे। हमने कहा समाजवादियों ने बिजली के कारखाने भी बनाए हैं और कारखाने बना करके जो बने हुए बिजली के कारखाने बिजली भी दिलाएंगे और बजट से हिसाब किताब लगा लो, हमें कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो बिल देते हैं हमारे लोग उनका 300 यूनिट का पैसा लगा लो, साल का ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़ बन रहा है। हम अपने गरीब और किसानों के लिए और आम लोगों के लिए अगर 30,000 करोड़ भी खर्च करना पड़ेगा तो बजट से खर्च कर करके लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, अगर 5 साल में भी उन्होंने बिजली के कारखाने का नाम बताया हो तो बता दो। यही बगल में सिकंदराव, ये हमारा हरदवागंज में लगा है बिजली का कारखाना, ये हमारा हरदवागंज में बिजली का कारखाना लगा है, हरदवागंज में। मैं देखा पिछली बार कि जब मुख्यमंत्री गए, मैंने सोचा कि शायद बिजली के कारखाने का नाम लेंगे, लेकिन पूरा भाषण उन्होंने दिया लेकिन बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। एटा गए और एटा की सड़क पर देख लेना, अगर आप एटा से लखनऊ और कानपुर की तरफ जा रहे हो तो बाई तरफ देख लेना कितना बड़ा कारखाना लग रहा है।